जगन्नाथ जी महाराज दिव्य गीत सत्संग इस कार्यक्रम में अभी अभी बोल कर गए हमारे डॉक्टर मार्कंडे हुजा जी, और मंच पर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे, मैं समझता हूँ रोहतक जिला जिसको मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, अपने सापला से स्वामी कालिदास जी महाराज, महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी, मूलासन से हमारे आदरणीय संत श्री मदनदास जी, और मंच पर बैठे सब संत समाज, और आज सत्संग का आनंद लेने आए हुए सभी मेरी मातृशक्ति बहन और भाइयों, मेरे पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय बंसल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष नवीन ढोल जी, हमारे छोटे भाई चरणजीत खट्टर जी, और सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक दलाल जी, और छोटे भाई विनोद जी पत्रकार और छायाकार मित्रों, मेरे से दूर डॉक्टर मार्कंडेय जी ने स्वामी जी के जो संदेश है गीता का, वो खाली भारत तक नहीं सीमित है, अंतर्राष्ट्रीय जाने का साथ मौका तो नहीं मिला, परंतु इस बार जब आप ऑस्ट्रेलिया जाने का मन बना रहे थे तो डॉक्टर मार्कंडेय जी से मेरी बात हुई, इस बार स्वामी जी के चरणों में बैठकर इस बार हम ऑस्ट्रेलिया में हम जाएंगे, परंतु कोरोना की दूसरी आपदा ने हमें रोक दिया। इस आपदा के आने की वजह से कई काम रुके, परंतु भारत के संतों का संदेश नहीं रुका, वो जन जन तक संदेश अपने बीच में गया, इसलिए गुरु जी इस काम को पूरे देश या पूरे संसार में गीता का जो संदेश है आप फैला रहे हैं, और यही भारत की पहचान है, और इसी भारत की पहचान के अंदर भारत माँ का झंडा भी आप ऊपर ले जा रहे हैं, भारत माँ की जय का भी नारा अंतर्राष्ट्रीय में जाकर करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि धन्य है हमारा रोहतक पवित्र, जो आज आप 3 दिन लगातार इस रोहतक की धरती पर हमें गीता का संदेश देंगे, और इस संदेश से हम जन जन तक उनमें बीच में जाकर आपका संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस रोहतक नगर निगम की 5 लाख की पॉपुलेशन है, और रोहतक जिले की मेरी 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, जब रोहतक जिले से एक एक संदेश और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में जाएगा, तो इससे समझता हूँ कि रोहतक की आवाज बड़ी कड़क आवाज है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हम सबके वंदनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज विश्वविख्यात हैं गीता में अपने प्रवचनों के लिए, उनके साथ मंच पर उपस्थित संत वरन महंत कालिदास जी महाराज, महंत कर्णपुरी जी महाराज, महंत मदन गोपाल जी महाराज, और जितने भी संत उपस्थित हैं पूरे संत वृंद को प्रणाम करता हूं। हमारे समक्ष हम सबके जाने पहचाने, हम सबके मित्र, हम सबके बड़े हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, उनके साथ जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी लोग, और इस सभागार में उपस्थित सभी माताओं, बहनों और मित्रों, आज हम सब एक ऐसे पावन कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसकी चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पूरा जीवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता के प्रवचनों को, गीता के संदेश को, गीता की प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगे हैं। स्वामी जी ने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हरियाणा की सरकार के साथ, माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके सहयोग से, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से अनेक देशों में अनेक कार्यक्रम किए, और नज़ारा ही जब हम लोग देश से बाहर जाते हैं, गीता की मान्यता को देखते हैं, गीता के प्रति लोगों की श्रद्धा को देखते हैं, गीता के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हैं, तो वह नज़ारा देखते ही बनता है। मैंने खुद अपनी आंखों से आज से 1 वर्ष पहले लंदन में पार्लियामेंट में जो उनके नेता थे बॉब ब्लैकमैन, उनको सिर पर गीता जी को ले जाते देखा, और उस क्षण का मैं साक्षी बना महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से। ऐसे लोग
जिन्होंने 300 साल हम पर राज किया, यदि वो भारत के अध्यात्म को, भारत की प्रेरणाओं को, भारत के संदेश को अपने सिर पर रखते हैं, तो इससे बड़ी खूबी और इससे बड़ी भारत के लिए क्या बात हो सकती है। स्वामी विवेकानंद अपने साथ दो ही पुस्तकें रखते थे, जिनमें से एक गीता जी थी। ऐसे ही जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूएस के प्रधानमंत्री बराक ओबामा से मिले, तो उनको देने के लिए यदि सबसे अच्छा कोई अनूठा, सबसे अच्छा कोई अद्वितीय